तथा सचाहम परिवोढ़ु काम समानशीलाम गृहमेधेनु उपेयवान मूलम चेत मूलम दुरासया काम दुघांग्रिपस्य। यहाँ पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे और भगवान प्रकट हो गया। आगे आ जाओ, आगे जगह पड़ी है, कोई दिक्कत हो गई। हाँ आ गए हैं, बहुत अच्छा, बिछ गए, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो एक एक प्रसंग को ले लिया जाए, जीवन की एक एक नहीं हजार कमियों को उजागर कर देता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। समझ रहे हो, इतनी बढ़िया बात आई, इतना बढ़िया एक श्लोक में है और इतनी बढ़िया बात कही है। सूत्र मात्र में मैंने पहले ही बताया था, यहाँ इन्होंने कहा महात्मा तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए, भगवान से कहने लगे, भगवान जैसे सब आप के लाइन में लगते हैं और मांगते हैं और आप सबको दे देते हो, तो भगवान मैं भी आपकी लाइन में लगा हूँ। भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा तथा सचा हम परिवोढ़ु काम। महाराज मैं विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा हे भगवान ये कौन सी बड़ी बात है, रोजगार को बेरोजगार को काले को गोरे को उठाईगीर को चोर को बदमाश को दारूबाज को सीधे सज्जन व्यक्ति को सबको कोई ना कोई पत्नी मिल जाती तो तुम्हें भी मिल जाती, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। क्योंकि नहीं है कि क्या, क्योंकि भगवान मिल तो जाती है, हमारी कुछ पसंद है। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी भी पसंद है, बताओ बाबा जी तुम्हारी कैसी पसंद है, कैसी तुम्हें पत्नी चाहिए। तो उन्होंने जो पसंद बताई है वो बड़े काम की है। उन्होंने कहा कि समान शीलाम गृह मेध धेनुम, शीलता में हमारे समान होनी चाहिए। बस ये नहीं कहा कि हमें जूही चावला जैसी हमें चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल ना, ये भी नहीं कहा कि हमें गोरी चाहिए है, नहीं। उन्होंने कहा शीलता में समान होनी चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों कहा, मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भागवत सूत्र मात्र में है, इसका व्याख्या बड़ी लंबी करनी पड़ती है। अच्छा आप लोगों से सब लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग अनुभवी हैं, सब लोग जानते हैं, एक बात बताओ सुंदर कौन होता है, सुंदर की परिभाषा बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल, बताओ बच्चों सुंदर कौन होता है। सुंदर सुनो कौन होता है, जिससे तुम्हारा दिल मिल जाए ना वो सुंदर होता है। देखने में जो सुंदर होता है ना वो कभी सुंदर नहीं होता है। माता को काला कलूटा पुत्र भी बहुत प्यारा होता है कि नहीं, क्योंकि माता का उससे दिल जुड़ा होता है, हृदय जुड़ा होता है। उन्होंने कहा सुनो हृदय जिससे जुड़ा रहे इसकी एक कंडीशन होती है, क्या विचार एक दूसरे के मिल जाएं, तभी तो मन जुड़ेगा। अब एक हो सत्संग वाली, वे हो क्लब वाले, काम चलेगा।
एक सत्संग करने वाली हो, वे हो ठेका वाले, काम चलेगा। एक भजन करने वाली हो, वो हो चटकाने वाले, काम चलेगा। और अगर जो एक सत्संग करने वाली हो और दूसरा भगवान का कीर्तन करने वाला हो, जोड़ी बनी की बिगड़ी, बन गई। यही बात तो उन्होंने कहा है, कई समान शीलाम, शीलता में समान होनी चाहिए। और फिर वो चाहे कानी क्यों ना हो, वो भी बड़ी प्यारी लगेगी। लगेगी कि नहीं, ध्यान रखो। सुंदर वो होता है जिससे हृदय जुड़ा होता है। सुंदर वो कभी नहीं होता है जो गोरा हो, अच्छा हो। अगर जो उससे ईर्ष्या हो गई तो उसे तभी तक सुंदर लगेगा जब तक ईर्ष्या नहीं। जिस दिन ईर्ष्या हो गई, उसका चेहरा देख के डर लगेगा। लगेगा कि नहीं? कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर हो, मन नहीं मिला है देख करके जी जल जाता है। आत्मा अच्छी भली दुखी हो जाती है, समझ गए? तो बाबा जी ने कहा कि सुनो, वो कैसी भी काली हो चलेगी, लंगड़ी भी चलेगी, कैसी भी ये चलेगी, लेकिन समान शीलाम। और हो कैसी? गृह मेद धेनुम, घर के लिए गृहस्थ रूपी यज्ञ के लिए गौ के समान हो। गौ के समान का मतलब यज्ञ में जितनी सामग्री की आवश्यकता होती सारी की सारी गौ पूर्ति कर देती है। आग चाहिए, गौ के गोबर से बढ़िया आग बनती है। घी चाहिए, गाय से घी हो जाता है। दूध चाहिए, गाय से है। दही भी चाहिए, गाय से है। पंचामृत स्नान है, सब कुछ गाय से है। यहाँ तक कि हवन सामग्री भी गाय के गोबर से तैयार की जाती है। और मालूम है गाय के कंडे, गाय के गोबर के कंडे जलाने को क्यों कहा जाता है? अब इसके बारे में जान लो। गाय के गोबर, जो गीला गोबर होता है, उसमें 27% ऑक्सीजन होती है। इसको जब सुखा दिया जाता है, नहीं 23% ऑक्सीजन होती गीले गोबर में, और जब इसे सुखा दिया गया तो इसमें 27 हो जाती है। और जब इसको जला करके कोयला बना दिया जाता है तो उस गाय के कोयले में 45% ऑक्सीजन होती है। इसलिए गाय के गोबर का कोयला को गीला करके पीने का बहुत अच्छा विधान आयुर्वेद में बताया गया। जिसके शरीर में कमजोरी हो, चेहरे में ग्लो ना हो, चेहरे की में झुर्रियाँ पड़ गई हों और गाल सूख गए हों उसके खजूर की तरह, तो उसको गाय के गोबर के कंडे का वो जो कोयला का जो है राख, उसको गीली करके तुरंत पिलानी, छान करके। अगर जो 1 घंटा रख दी तो ऑक्सीजन उड़ जाती है, ठीक है? ये भी एक ट्रीटमेंट का उपाय होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने। और ज़्यादा ऑक्सीजन जिसके शरीर में जाती है वो बूढ़ा बहुत देर में पड़ता है। 80 साल में भी जवान दिखता है। देखो ये 73 साल की बैठी हैं, कोई कहेगा 73 साल की, ये है तपस्या का प्रभाव। हाँ, क्योंकि नाम जाप इसके, अब तो हम इसके बारे में भी बता दें कि तुम 73 साल की भी 50 साल की क्यों दिख रही हो। सुनो, इसमें मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, इसका विज्ञान है, रिसर्च हुई है 2 जगह, एक एम्स में भारत में और एक जर्मनी में। इसमें 2 ग्रुप बना करके बैठाए गए। एक ग्रुप से कह दिया कि तुम गायत्री जाप नहीं करोगे, ठीक है, और एक से कह दिया गायत्री जाप करोगे, तो वे गायत्री जाप करने लग गए। तो गायत्री जाप करने से क्या होता है कि हमारे अंदर 1,10,000 हर्ट्स की साउंड वेव उत्पन्न होती है, जो कि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो ऊपर को बढ़ाता है। और जब ऊपर को ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो चेहरे पर खून ज़्यादा आएगा और ब्रेन में खून ज़्यादा जाएगा, इससे याददाश्त मजबूत हो जाती है और चेहरे में चमक बढ़ जाती है। चेहरा खजूर जैसा नहीं होता है, चेहरा बंदर जैसा नहीं हो पाता है। और इसके बाद उसके जो है ना
बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती, डिप्रेशन की समस्या खत्म, और ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमें प्रसन्न रखते। आप लोगों ने कॉमेडी वगैरह देखी होगी तो कोई ऐसी हरकत देख ली तुरंत हंस गए, तो उसके पीछे का कारण होता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन के जैसे ही एक बूंद टपकी तुरंत तुरंत हंसी आ जाती, और वो डोपामाइन हार्मोन बनने लग जाता और ज्यादा टपकता रहता है, इससे व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहेगा। एक और गावा होता है, ये भी प्रसन्नता का हार्मोन होता है, इनको तेज कर देता है। अच्छा, हार्मोन का एक उदाहरण और दे दे, बहुत जल्दी समझ जाओगे। आपको मालूम है जो व्यक्ति शराब पी ले तो वो व्यक्ति उसके भी पांव पड़ेगा जिससे कभी राम राम करना पसंद नहीं करता था, देखा है आपने? हाँ, उसके भी पांव पड़ेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि शराब पीने से एल्कोहल के प्रभाव से डोपामाइन केमिकल वो हार्मोन ज्यादा निकलता है, वो सबसे शत्रुता भूल जाता है, फिर उसके भी पांव पड़ लेता जिससे कभी राम राम नहीं करता था। ठीक है, ये बात होती है। लेकिन जब उतर जाती है तो गांठ का जो वो था डोपामाइन वो भी खत्म करके ले जाता है, तो सवेरे गधे की तरह मुंह लटका के बैठा होता है कि हे भगवान, मैंने 1500 पर पानी। फिर सोचता है घंटों अरे राम राम राम, तरक देर में संगत में पड़ करके मैंने नुकसान कर लिया, बर्बादी कर ली, सोचता है कि नहीं। फिर वो बड़ा मुंह लटकाए मिलेगा, फिर जब पी लेगा फिर जो टुल हो जाएगा फिर वो वैसे ही करेगा। तो ये यही डोपामाइन गायत्री जपने से परमानेंट टिकाऊ बन जाता है, वो मुस्कुराता ही रहता है व्यक्ति, इसलिए चेहरे पर ग्लो रहता है, समझ गए? इसीलिए पहले गुरुकुलों में प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसको गायत्री मंत्र कंपलसरी कर दिया जाता था। क्यों कर दिया जाता था? क्योंकि ये ब्रेन के विकास को बहुत तेज करता है, इतना तेज करता है कि इसकी अनलिमिटेड दिमाग को बढ़ाता है, जितना दिमाग में भरते जाओगे उतनी जगह और खाली कर देगा, जितना भरते जाओगे, ऐसे मान लो जैसे बाल्टी में पानी, घड़े में पानी भरो उतना ही भरेगा जितना उसमें क्षमता है ना, और गुब्बारा ले आओ इतना बड़ा उसमें भरना शुरू करो तो हाँ बढ़ता जाता है ना, वही काम करता है ब्रेन के साथ गायत्री मंत्र, समझ गए? जितना डाल दोगे वो फिर भी कुछ ना कुछ जगह खाली रख देगा, ये चीजें होती है। तो गायत्री मंत्र का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, गायत्री मंत्र से गंभीरता आ जाती है, गायत्री मंत्र से तर्क शक्ति बढ़ती है। अब ज्यादा वैज्ञानिक नाम नहीं लिए हैं ताकि समझ जाओ, नहीं तो इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी होता है, सेरिब्रम होता है, इसको विकास करने का ही बड़ा लंबा फंडा उसमें दिया गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहां पर उन्होंने कहा कि विवाह तो हमें करना है, लेकिन एक ही बात है, कैसी भी हो लेकिन हमारे विचारों में विचार मिला के चलने वाली होनी चाहिए। और कैसी हो? गृहमेद धेनु, गृहस्थी रूपी यज्ञ के लिए गौ के समान हो। अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया गृहस्थी चलाने का क्या जुगाड़ है मालूम है? अब एक बात जो हमें आती है वो भी सुन लो, तुम तो अपना करती हो। अगर जो गृहिणी घर में चोरी करती है वो सबसे बढ़िया चलाती गृहस्थी, है? सुनो तो, पहले अधूरी बात पर कमेंट करने लग गई, पूरी सुनो। और सच यही है, जो गृहिणी चोरी करके रखेगी वो घर बहुत बढ़िया चलाएगी। कैसे? अब मैं बता दूं जुगाड़, जिसका मतलब पति आमे जिसके घर पे और कपड़े उतारे तो उसमें अगर जो 100-200 दिखे तो 10-20 पार कर दो, 1000-2000 दिखे
100-200 पार कर दो, 10-20 हजार दिखे 1,000-2,000 पार कर दो और ले करके वो रख लो अपने घर में, ठीक है। और घर में रखने के पश्चात उनको रखे रहो, ठीक है। और एक दिन कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब पति को जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा। हाथ जोड़ करके जब खड़ा हो तो उसकी आपत्ति में तुरंत निकाल के मैं दे दो, बहुत बढ़िया घर चलेगा। ये चोरी नहीं है, ये घर चलाने का सिस्टम है। अब जो आपने बात कही उसका जवाब ले लो। अगर जो तुमने 100-200 में 10-20 निकाल लिए और तुमने यदि खा लिए गोलगप्पे, ठीक है, अगर जो तुमने गोलगप्पे खा लिए तो तुम गृहिणी नहीं दरिद्रा हो, ध्यान रखो। हाँ, अगर जो चोरी करके तुमने अपने शौक पूरे कर लिए तो भी तुम गृहिणी नहीं हो, है तो तुम दरिद्रता लाने वाली हो, क्योंकि उसे तुम लूटती भी रहोगी और भविष्य का कोई साधन तो उसके पास जो थे वो भी बर्बाद होंगे और तुम घर को बना भी नहीं पाओगे। अगर जो तुमने चोरी करके धर लिए और धर के आवश्यकता जब पड़े, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, उस समय तुम उसको निकालो, बहुत बढ़िया घर चलता है, क्योंकि आपत्ति विपत्ति कभी भी निमंत्रण दे के नहीं आती है, ध्यान रखो। तो ऐसे इसलिए कह रहे, अच्छा ये जो सिस्टम है ना, हमारे गांवों में नानी दादी के ज़माने में बहुत अच्छी तरह होता था। अच्छा पति जान जाते थे कि और कौन लेगा, कोई विदेशी तो डाका डाल नहीं गए, इन्हीं के काम हैं, तब वे कुछ कहते भी नहीं थे, क्योंकि विश्वास था यदि इसने लिए हैं या तो इसको बहुत आवश्यकता होगी या तो बहुत अच्छी आवश्यकता के लिए इकट्ठे किए होंगे, समझे, तो वो गृहिणी होती है। तो हमारे घर को आगे बढ़ाने के लिए ये गौ के समान होनी चाहिए, जैसे यज्ञ को आगे बढ़ाया जाता है तो गाय आगे बढ़ाती है। भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपका विवाह हो जाएगा। कहने लगे कब हो जाएगा, भगवान जान गए कि बाबा जी को कुछ जल्दी पड़ी है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आयश्चित दीक्षुताम परसो धर्म को विदा, चिंता मत करो, परसों के दिन तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, आज वरदान ले लिया है, कल अपनी ये झोपड़ी और दाढ़ी और बाल वाल सब ठीक कर लेना, कंघी वंगी करके ठीक कर लेना, परसों आ जाएंगे। अब उन्होंने सब कुछ तैयारी करके बैठ गए। बैठने के पश्चात यहाँ पर आरोप्य स्वाम तुहितरम सवार्यम सवार्य, यहाँ पर्यटन महिम मनु जी आ गए, रथ पर बैठ के लिखा है मनु स्त्यंदनम आस्थाय, स्त्यंदन कहते हैं रथ को, उस पर बैठ करके, और सतरूपा और देवहूति के साथ पहुँच गए वहाँ पर और जा करके एक निवेदन किया, बड़ी बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा देखो मैं आपके पास आया हूँ, या उद्यतम अनादृत कीनाशम अभियाचते छीत यते तद्यशास्थितम मानश्चावज्ञया हतः। कहने लगे कि सुनो, अगर जो कोई अपनी ही बात पर कह रहे हैं कि यदि कोई तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव अपने आप यदि रखे तो उसको कभी भी मना मत करो। क्यों, या उद्यतम अनादृत्य, अगर जो अपने आप आ गया उसका अनादृत्य निरादर यदि तुमने किया है तो फिर क्या होगा, फिर आगे जा करके उसी चीज के लिए जब तरसोगे तब कीनाशम अभियाचते, किसी कंजूस के आगे हाथ फैलाओगे, फिर क्या होगा, क्षीयते तद यशास्थितम,
फैला हुआ तुम्हारा यश नष्ट हो जाएगा और मानश्चावज्ञया हता आपका अपमान भी हो जाएगा। मालूम है क्यों हो जाएगा? क्योंकि अवज्ञा तुमने की है उसकी। किसकी? जिसने पहले तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा था। मनु जी ने कहा, बाबा जी तो तैयार ही बैठे थे, काहे को मना करने वाले, उन्हें तो पहले ही डेट टाइम सब पता था, वे तो बिल्कुल कंघी करे ताक ही रहे थे कि कब आवे कोई, वे तो रास्ता ही देख रहे थे। कह कि हाँ कोई बात नहीं, बाढ़ उद्वो है, मैं आपकी कन्या के साथ विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। कि क्या क्या शर्त है? कह कि जब तक हमारे घर में संतान प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम इनको साथ रखेंगे, जो संतान प्राप्ति हो जाएगी स्वयं राधे राधे कर लेंगे। फिर भी देवहूति ने हाँ कर ली और हाँ करके तैयार हो गए। मनु जी ने वहां पर विवाह कराया। इस विवाह का नाम है दैव विवाह, ब्राह्म विवाह। ये ब्राह्म विधि से इनका विवाह हुआ। चिंता मत करो रुक्मणी, मंगल के दिन आठ प्रकार के विवाह होते हैं ना, इनको हम बताएंगे। विवाह आठ प्रकार के होते हैं, जैसे कि गंधर्व विवाह जो होता है ना, उसको आजकल क्या कहते हैं मालूम है? कोई नहीं जानता है। लव मैरिज कौन कौन जानते हैं? उसी को गंधर्व विवाह कहते संस्कृत में, लव मैरिज, जिसका नाम आज पड़ गया। यहाँ पर बढ़िया सुंदर ब्राह्म विधि से विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात मनु और शत्रुपा वहाँ से विदा हुए। विदा होने के बाद इन्होंने तपस्या भी की। तपस्या से जागने के पश्चात इनकी फिर नौ कन्याओं ने जन्म लिया। नौ कन्याओं ने जन्म लिया तो नौ कन्याओं को जन्म देने के पश्चात अब ये कहने लगे, अब हम जा रहे। कहाँ जा रहे? तपस्या करने। माता देवहूति ने कहा कि कन्याएं तो हैं अपने पास और जब ये विवाह होगा तो ये अपने अपने उनके साथ निकल लेंगी, हम फिर भी अकेले रह गए, तुम तो जा रहे तपस्या करने। एक बात और बता दे कि आपसे भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा, तभी तो पुत्र बन के भी नहीं आए हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक कहा। भगवान के आने की प्रतीक्षा में फिर गृहस्थी में रहे और समय आने पर भगवान ने जन्म लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की, साक्षात ईश्वर थे वे। आए, आने के पश्चात कुछ बड़े हुए और बड़े होने के बाद वे जा करके वहाँ पहुँच गए। कहाँ? अपने बेटा के पास, कपिल देव भगवान के पास। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं सब जानता हूँ। मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाणम सत्य लौकिके अथ जानी मया तुभ्यम यदुवाच अमृतम मुने, मुझे पता है कि आप क्या कहने आए हो। तो आप यदि जानते ही हो कि क्या कहने आए हो तो बता फिर आज्ञा क्या दे रहे। कि कोई बात नहीं, गच्छ काम मया पृष्ठो मई संयस्य कर्मणा, आप इच्छा अनुसार विचरण कीजिए जहाँ जाना हो, लेकिन शर्त ये है मई संयस्य कर्मणा, अपने कर्मों को सब मुझे झोंक देना। अच्छा हो गया प्रभु, सब आपको समर्पित है। बुरा हो गया, आपको समर्पित है। जब सारे अच्छे बुरे कर्मों को तुम भगवान के पास छोड़ दोगे तो उसमें क्या है, भगवान उसकी छनाई करते हैं। छानने के बाद जो कचरा होता है ना वो नीचे टपका देते हैं, अच्छे अच्छे कर्मों को तुम्हारे उस फल को दे देते हैं, समझे? और कोई कोई कर्म का फल इतना टिकाऊ होता है कि पीढ़ियां बीत जाती हैं और वो कर्म का फल समाप्त नहीं होता। उदाहरण दे दें, एक बार नानक, सिखों के गुरुजी नानक, तो इनके समय में एक ऐसा दुर्भिक्ष आया, पानी बरसा नहीं, अकाल पड़ गया। अब पानी नहीं बरसा तो उगे क्या?
और जब उगा नहीं तो खाओगे क्या, भुखमरी का पूरा वो। अब भुखमरी के कारण समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, अब उनके पास इतना भी अन्न नहीं कि हम खेत में डाल दें। पिताजी ने जैसे तैसे प्रयास करके 4-5 किलो गेहूं का जुगाड़ किया, और गेहूं का जुगाड़ किया और कहा कि जाओ यही गेहूं है, इनको खेत में बो आओ, जो उगेगा उसी से अपना कुछ सोचेंगे। अब 4-5 किलो गेहूं से क्या होता है। अच्छा कमलेश भैया, 1 बीघा में कै किलो गेहूं पड़ते आपके यहाँ? 18-20 किलो। अच्छा हाँ ऐसे ही पड़ते हैं। अब एक बात बताओ, 18-20 किलो के हिसाब से मान लो 5 है, अरे बीज कितना डाला, तुम्हारी जय हो। हाँ यही तो कह रहा हूँ, मन की बात नहीं, वो तो उपज है, बीज भी तो डाला जाता, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जरा सोचो, 1 बीघा में 20 किलो भी यदि पड़ेगा तो 5 किलो कितने में? मात्र 4 बिस्वे में, 4-5 बिस्वे में। अब जो है सो सही। अब वे जा रहे थे खेत पर लिए बीज, रास्ते में देखा 4-5 महात्मा बड़े भूखे तड़प रहे थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भगवान आप भूखे लग रहे हो, क्या बताया जाए, मैं बहुत भूखा हूँ, अब ये है कि एक आध दिन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं जैसी प्रभु की इच्छा। अरे अरे नहीं 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 मरोगे नहीं। माताओं को बुलाया, माताओं को, तब ये बिजली बटन वाली चक्की थोड़ी थी कि बटन डाओ खर पिस गया ना। अब इन लड़कियों को काम दे दिया जाए तो सब भाग जाए यहाँ से वृंदावन, नहीं तो 4 बजे जगती थी, 5 किलो पीसती थी, फिर छाछ करती थी, फिर गोबर डालती थी, और वे चले गए हैं खेत पर, और टाइम पर उनको बना के नाश्ता पानी भी ले जाना, पूछो इनसे। और तुम्हें क्या है, बटन दबा दी खर पिस गया, बटन दबा दी खर चटनी बन गई, कुछ करने को नहीं, उसी का लाभ उठाते कि सास भी कभी बहू थी और उसी में चिपके रहते। नहीं लड़कियाँ क्या जाने काम करना, इन्होंने देखा नहीं है करने की तो बात छोड़ दो, क्यों अम्मा सही कह रहा हूँ ना। हाँ देखा, इनसे पूछो काम क्या होता है, देखा है मैंने, तब बैलों से खेती होती थी। तो माताओं को बुलाया, थोड़ा थोड़ा दे दिया, ये महात्मा बड़े भूखे हैं, इनके लिए इतना हमारे पास जो बोने के लिए गेहूँ था वही तुम ला करके और इनको कुछ पीस करके दे दो तो इनको कुछ खिलाया जाए। और फिर उन्होंने पीस पीस के सभी थोड़ी देर में ला के दे दिया, वहीं तब तक जब तक पिसने गए तब तक उन्होंने इकट्ठे किए कंडा, करीस कहते हैं, करीस मालूम है, गाय चरने गई वहाँ गोबर छोड़ दिया सूख गया, बड़ा बढ़िया कंडा उसे करीस बोलते हैं। उन्होंने करीस इकट्ठे करी और इकट्ठे कर करके लगाई आग, आग लगाई और तब तक माताएं लेके आ गई आटा और उसको उसमें वहीं पर बनाई बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी रोटी और माताओं से लाए अचार और बढ़िया खाया उन्होंने, उनका पेट पला। अब वे डर गए, कौन नानक जी क्यों डर गए, गेहूं किस लिए दिए गए थे खेत में बोने के लिए और गए कहाँ, बाबा जी को खिला दिया खेत जैसे का तैसा, हिम्मत करके गए घर, कब तक ना जाएं, गए घर, कह कि लाला बीज बो आए, कह कि जी पिताजी मैंने बीज बो दिया है, और सुनो ऐसा बीज बोया है, सुनो हंसने की बात नहीं है समझने की बात है, का ऐसा बीज बोया है पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन वो बीज का फल कभी समाप्त नहीं हो पाएगा, वो फसल कभी खत्म नहीं होगी, आज वही फल देखने को मिलता है। किसी भी जगह के तुम गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां तुम्हारा बिना परिचय लिए बिना जात पात पूछे, कहां से आए हो बिना पूछे, तुम्हें भोजन मिलेगा। अमृतसर के गुरुद्वारों में, बंगाल और बिहार के जाने कितने हजारों की संख्या में रिक्शे वाले
दोनों समय भोजन करते हैं। चाहे तुम अमृतसर के गुरुद्वारा में चले जाओ, चाहे तुम दिल्ली के गुरुद्वारा में चले जाओ, चाहे कनाडा के गुरुद्वारा में चले जाओ, आपको भोजन वहाँ बिना पूछे मिलेगा तो मिलेगा। वो ऐसा आज फसल बोई गई कि आज तक वो फसल समाप्त नहीं हुई है। तो कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनके कर्मों का परिणाम पीढ़ी दर पीढ़ी भोगते रहते हैं। और तुम क्या सोच रही हो, तुम भगवान का नाम ले रहे तो तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा? नहीं, कि तुम्हारी पीढ़ियां भोगेंगी, समझे। तपस्या का कोई भी कर्म हो, अच्छा कर लो बुरा कर लो, कर्म का फल तुम्हारा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, समय थोड़ा भले ही लग जाए, पर समय आने पर तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। भगवान ने कहा गच्छ कामम मया पृष्ठो, इच्छा अनुसार चले जाओ मेरे से पूछकर, लेकिन ध्यान रखना मई संयस्य कर्मणा, अपने कर्मों का तुम मुझमें लगा देना। और जित्वा दुर्जय मृत्युम, और ये दुर्जय मृत्यु जो है इसको जीत करके अमृतत्वाय माम भज, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए मेरा तुम भजन करो। चले गए पिताजी, चले गए भजन करने। लाला बैठे घर में और बहनें थी वो तो चली गई अपने अपने ससुराल में। अब बचे कौन, माता और बेटा। बड़ा सुंदर प्रसंग आया यहाँ पर, बड़ा बढ़िया। यहाँ पर कहा माता जी ने कि लाला भले ही तुम हमारे पुत्र बन के आए हो, लेकिन सच्चाई से तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। पुत्र बन के भले ही आए हो, लेकिन संपूर्ण संसार के आप पिता हो। संपूर्ण जगत के यदि आप पिता हो तो आपसे प्रश्न करना मुझे बनता है। उन्होंने कहा निर्वेणाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात येन संभाव्यमानेन प्रपान्नांधम तमः प्रभु। कहने लगे कि मैं अपने इंद्रियों से इतनी परेशान हो गई हूँ, इनको जितनी तृप्ति करो उतनी ज़्यादा भागती हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ही बताना ठीक है। हाँ तुम ये बताओ, जैसे कि तुम बाजार जा रही हो ठीक है, अब आगे लगी है गोलगप्पे की ढकेल, आपका मन कराया तो आप क्या करोगी, तुरंत 5 रुपए खट से अपने पर्स से निकालोगी, गोलगप्पे खा लोगी। खाओगे कि नहीं? हाँ, कितनी ईमानदार बच्ची है, तुरंत हाँ किया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात का जवाब आओ दे दो, आज तुम्हारी इच्छा हुई कि गोलगप्पे खा ले, तुमने खा लिए, क्या आप ये गारंटी ले सकती हो कि कल भल्ले पापड़ी देख करके मन नहीं चलेगा? बताओ क्या कह रही हो, चलेगा? हाँ, इसी प्रकार से मन होता है। मैं बताऊं कैसे, जैसे अग्नि है और उसमें धीरे धीरे घी तुम डालते रहो और सोचो कि हम अग्नि बुझा दें, तो अग्नि बुझा रहे कि बढ़ा रहे हो, बढ़ रही है, यही बात होती है। इंद्रियों की जितनी तृप्ति करोगे उतना ही अपना बड़ा रूप लेंगे, और इंद्रियों की तृप्ति ना करके आवश्यकताओं की तृप्ति करने लग जाओ, और जब तुम्हारा गोलगप्पे खाने की इच्छा हो, मान लो भूख भी लगी है, घर में आओ, मोटी मोटी चूल्हे की रोटी लगा के आधा किलो घी और भर के कटोरा धर के सब्जी खा लो, फिर बाजार जाओ, गोलगप्पे खाने की इच्छा होगी ये। और जब इच्छा हो तब यही करो, एक समय वो आएगा कि गोलगप्पे की देखने की भी इच्छा नहीं होगी। इंद्रियों को तृप्त करोगे कभी भी उसका अंत नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कि ये बताइए, हम इंद्रियों को जितना तृप्त करते हैं, कोई भी इंद्रिय हो, कान है अच्छे अच्छे गाना सुनने के लिए कहते कि नहीं? हाँ, आप कोई सुनो,
एक बार की बात, मैं वृंदावन में परिक्रमा लगा रहा था। आपने वृंदावन परिक्रमा लगाई है? अच्छा, सो हम आश्रम देखा होगा, अटल्ला चुंगी से थोड़ा चल के आगे है, तो वहीं से मैंने परिक्रमा चालू करी। दो तीन लड़कियां 14-14, 15-15 साल की, और बगल में है एक पानी गांव, ये जानते होंगे पानी गांव है, वहाँ जमुना जी किनारे, तो वहाँ की दो लड़कियाँ आई, वे आगे परिक्रमा लगा रही थी और भीड़ चल रही थी, एकादशी थी। उन्होंने पूरी परिक्रमा में 1950 से लेकर के 2011 के बीच के जितने फिल्मी गाने थे सब गा के सुना डाले, समझे? अब उनका भी दोष नहीं, बच्चे थे, नहीं इतनी समझ थी कि मतलब हम यहाँ टहलने आए हैं कि परिक्रमा लगाने आए कि भगवान का नाम लेने आए, लेकिन फिर भी जितनी श्रद्धा थी कि हाँ परिक्रमा है वृंदावन की, भगवान का नाम है, ठीक है, फिर भी गाने सुनाए, कोई बात नहीं, मैं उन्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, उनकी समझ ही इतनी थी, बच्चों में इतनी अकल होती है, समझे? अब कोई बड़ा हो तो उसको कहा जाए, बच्चियाँ थी 15-15, 16-16 साल की, और पूरे गाने सुना डाले, ऐसे भी परिक्रमा करी। तो कहने का मतलब ये है कि कान जो होते हैं ना, ये नए नए गाने सुनने के लिए, नए नए शब्द सुनने, प्यारे प्यारे शब्द सुनने के लिए लालायित रहते हैं, और जितना सुना उतना ही चाह बढ़ती है। और जीभ है, बढ़िया बढ़िया स्वाद चाहती है, आंखें हैं, बढ़िया दृश्य देखना चाहती है, त्वचा है, ये भी सुख चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, एक जमाना था कि पहले कुछ नहीं होते थे, प्रत्येक घर के आगे नीम का पेड़ होता था, जब गर्मी लगी उसके नीचे बैठ गए और पंखा लेके हिला डुला लिया, हो गया। फिर आया एक बिजली का पंखा, फिर वो ऐसे रख दिया जाता था, घूमता था, जो अनजान लोग होते थे तो कहते थे इसमें भूत है कि प्रेत है, ये क्यों घूम रहा है? और जब हवा लगी, हा आनंद आ गया, कहते थे कि नहीं। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब उस पंखा की हवा को शरीर ने ले लिया तो इस त्वचा ने फिर मांग की कि नहीं नहीं नहीं, इससे अभी गर्मी लग रही है, कुछ और जुगाड़ करो। फिर पानी वाला पंखा आया, जिसमें नीचे पानी भर देते, ऊपर फुर्र चलता रहता है, क्या कहते उसे, कूलर, कूलर कहते, कूलर चलने लगा। और फिर आई बरसात, और जैसे ही मौसम बना, गर्मी आई, कूलर चलाया तो वो भी लू देने लगा। फिर एक और नई चीज बनी, वो डिब्बा चिपका दिए जाते दीवार पे, क्या कहते हैं, एसी, एयर कंडीशनर। एक बात बताओ, सच गर्मी ज्यादा बढ़ी है या त्वचा ने मांग ज्यादा कर दी, बताओ? मांग ज्यादा कर दी, हाँ यही बात है। इसीलिए आपको एक बात बताएं, अगर जो तुम्हें नीम के नीचे बैठ करके अपनी गर्मी काटते रहते हो तो मैं कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अगर जो एसी कमरे में घुस करके और फिर तुम नीम के सामने आ जाओ, आसपास ऐसा लगेगा जैसे आग जल रही हो, क्यों? क्योंकि त्वचा ने उतनी अपनी मांग बना ली। और मैं एसी से इतना डरता हूं जैसे जहर खाने से डरते हैं, क्योंकि हम आज एसी में रह गए, कल नहीं मिली तब हमें, भैया हम जंगली हैं, मैं जंगल में ही छोड़ दो, सबसे बढ़िया हवा आएगी उससे काम निकाल लेंगे, बस हो गया, तुम्हारी एसी धर लो, ठीक है? तो कोई भी इंद्री ऐसी नहीं है जिसको एक बार तृप्त कर दो दूसरे दिन न मांगे। तो बताओ हम ऐसे भगवान हम कहाँ तक क्या करें, समझ में नहीं आता इंद्रियों को कैसे तृप्त किया जाए, कैसे ये तृप्त हो सकती। भगवान ने कहा, सुनो माता, इंद्रियों को तृप्त नहीं किया जा सकता है, बिजी किया जा सकता है, समझ गए, बिजी किया जा सकता है, उसका क्रम बताया। उन्होंने कहा, प्रसंगम अजनम पाशम
आत्मानं कवयो विदुः सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारं अपावृतम्। कहने लगे कि जो प्रसंग माने आसक्ति होती है, उस आसक्ति को अगर जो तुम दुनिया से आसक्ति अच्छा होनी भी चाहिए। एक अखंडानंद क्यों उड़िया बाबा तुमने वो देखा है आश्रम दिनेश अखंडानंद के पास है। हाँ उड़िया बाबा में उड़ीसा के एक महात्मा थे और बड़े विनोद करने वाले। उनसे कहने लगे भगवान एक गया कहने लगा अरे भगवान आप भगवान से हमें प्रेम करना कभी अच्छा भगवान से प्रेम करना बहुत अच्छी बात अच्छे आए। अच्छा ये बताओ अभी तक तुमने प्रेम किससे किया? क्योंकि नहीं हमें संसार में किसी से प्रेम नहीं। पत्नी से कहीं नहीं, लड़के से नहीं किया, अपनी बच्ची से नहीं की, किसी से नहीं किया। क्योंकि तो तुम भाग जाओगे। क्यों? तुम रिजेक्ट हो। तो क्यों? क्योंकि जाओ पहले प्यार करके आओ, फिर हम तुम्हें प्यार करना फिर हम तुम्हें भगवान की तरफ जोड़ेंगे। कि ये आप कैसा दुनिया से आदमी भाग करके भगवान की तरफ जुड़ता है? कि सुनो अगर जो तुमने किसी से प्रेम किया है तो उसी प्रेम की दिशा बदली जा सकती है। मान लो बेटी से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, किसी से प्रेम है, तो उस प्रेम की दिशा बदल के भगवान की तरफ की जाए। जब तुम्हारे अंदर प्रेम ही नहीं तो भगवान को तुम क्या दे दोगे? भाई भोजन तुमने बनाया, ठीक है, निमंत्रण दिया तुमने ब्राह्मण का, संयोग बस वो नहीं आया तो दूसरे को भी खिला सकते हो। लेकिन खिला कब सकते हो? जब तुमने बनाया है तब तो। और तुम्हारे पास भोजन ही ना हो तो तब प्रेम का तत्व तो तुम्हारे हृदय में होना चाहिए। पहले जाओ प्रेम करके आओ। यहां पर कह रहे हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदुः। ये जो तुमने प्रेम किया है, प्रसंग माने आसक्ति, जिसे प्रेम कहते हैं आजकल। प्रेम की वैसे परिभाषा बहुत दूसरी है, लेकिन आजकल कोई नहीं जानता है प्रेम को, आसक्ति को ही प्रेम समझने लग गए हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है लोगों को। प्रेम वो होता है जो सामने वाले को कभी भी दुखी नहीं करेगा, वही करेगा जो उसको अच्छा लगे। हम उससे चाहने लगे प्रेम नहीं है, धोखेबाजी है। और हम उसे वो दें जो उसे अच्छा लगता है, वो असली प्रेम है। भरत जी राम से प्रेम करते थे, खेलने में गए तो वहाँ पर टीम बनाई गई। टीम बनाने में लक्ष्मण जी कह रहे कि दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं अपने भैया का पीछा नहीं छोड़ने वाला। और ज़्यादातर प्लेयर्स थे वे सब राम जी के पक्ष में। भरत जी ने सोचा कि सब राम जी के पक्ष में हैं, लेकिन अगर जो मैं विपक्ष में नहीं आया तो हमारे प्रभु का खेल कैसे पूरा होगा? और हमारे प्रभु का खेल नहीं पूरा होगा तो हमारे प्रभु को सुख कैसे मिलेगा? तुरंत विपक्ष में आ गए। और जहाँ एक तरफ सब, एक तरफ भैया भरत, अब वहाँ पर देखा गया हार होने लग गई भरत की। राम जी आ गए विपक्ष में भरत जी के, और ऐसे दांव खेलते हैं, ऐसे दांव खेलते खुद हारते चले जाते, सारे गोल हो गए, भरत जी जीत गए। राम जी ने यही बात याद करके कहते हैं कि हारे हो खेल जितायो मोही। मैं जानता हूं प्रभु आप कितनी दया करते हैं कि मुझे आप अकेला क्या कर सकता था, लेकिन आपने मुझे जानबूझ करके जिताया। क्यों जिताया? कि तुमने यदि मेरे खेल बन जाने की कामना से विपक्ष में खड़े हुए हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कभी भी मैं हारने। भरत जी को जिताया।
बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहने लगे आसक्ति सबको होती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि एक दूसरे से प्रेम ना कर ले। माता को बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, कभी कभी पड़ोसन से भी हो जाता है ना, और पिताजी को भी बेटे से बहुत प्रेम होता है। तो अगर जो मोक्ष प्राप्त करना है तो वही प्रेम की दिशा बदलनी है। कहने लगे कि एव साधु सुकृतो, वह सज्जन महापुरुषों में करने लग जाए प्रेम तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष के द्वार को अपावृत माने खुल देता है। एक बात बताओ माता, कैसा ये साधु सुकृतो, वो महात्माओं में हो जाए। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा की पहचान क्या है? महात्मा की पहचान सुनो, कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवाः साधुभूषणः। कहने लगे कि जो तितिक्षवः बड़ा सहनशील हो और कारुणिका और बहुत दयालु हो और सुहृदा सर्वदेहिनाम प्रत्येक जीव का हितैषी हो। इन लड़कियों की अपनी कथा चालू हो गई, पागल। अजात शत्रवः, जिसका कोई भी शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो और शांता बड़ा शांत रहने वाला हो, ऐसा साधवा वो साधु, साधु भूषणा सारे साधुओं में श्रेष्ठ होता है। माता ने कहा एक बात बताओ, बड़ा सहनशील है, ये तो इंटरनल मैटर है भाई। कुछ क्वालिटी एक्सटर्नल होती है, कुछ इंटरनल होती हैं। एक्सटर्नल होती है वो तो दिखाई पड़ती हैं, अब इंटरनल कैसे देखी जाए? अब बड़ा कारुणिका बड़ा दयालु है तो दया कितना दयालु व्यक्ति है इसका मीटर तो है नहीं कि हाँ साहब ये इतना दयालु है, सबका हितैषी है, इसका भी कोई वो नहीं, उसका कोई शत्रु नहीं। ये तो सारी अंदर की क्वालिटी तुमने बता दी, कुछ ऐसा भी बताओ जो हम दूर से देख के बता सके। तो कहा कि मई अनन्य भावेन, मेरा अनन्य भाव से भक्तिम कुरुवन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ भक्ति मुझसे कर लेता है तो मत कृते त्यक्त कर्मानस त्यक्त सुजन बांधवा, मेरे लिए जिसने अपने सारे कर्मों को अपने स्वजन बंधु बांधवों को मेरे लिए त्याग दिया हो वो साधु होता है। और क्या होता है? मदाश्रया कथा मृष्टा, मेरे आश्रित रह करके, और मृष्टा माने बड़ी सुंदर मधुर कथाओं को क्या करता है? सुनो, सुनता नहीं है, श्रृणवंती और कथयंती चा, श्रोता मिल जाए तो सुन ले, वक्ता मिल जाए तो कथयंती चा सुनाने लग जाए। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा, अनेकों प्रकार की तपस्याएं करता है वो साधु होता है। कहीं भी नहीं कहा कि लंबे लंबे वे होने चाहिए, पीले पीले वे होने चाहिए वो साधु ना। साधु का कोई वेश नहीं, पैंट शर्ट में भी साधु हो सकता है, साड़ी सूट में भी हो सकता है, सलवार सूट में भी हो सकता है, धोती कुर्ते में भी हो सकता है, और वो खेती करते भी हो सकता है, ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर चलाते हुए भी हो सकता है, घर में रोटी बनाती हुई हो सकती है, और हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करने वाली भी साधु हो सकती है। उसकी ना तो कोई जात है और ना ही कोई उसका लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग कोई नहीं है, केवल आचरण जिसके साधु के है वो साधु होता है। समझ गए? हम लाल पीले करके बैठ जाएं तो हम साधु नहीं बन गए, गधे को पीला कपड़ा पहना तो महात्मा बन जाएगा? ट्राई किया करके देखना, तिलक लगा देना, पीला कपड़ा पहना देना। तो कहने का मतलब ये है कि कपड़े से कोई साधु नहीं होता है, और सबसे बड़ी समस्या बन गई तो यही बन गई, लोगों ने साधु की परिभाषा बदल दी
और साधु को पहचानने में गलती यही हो गई। समझ गए? साधु गृहस्थ भी हो सकता है और साधु विरक्त भी हो सकता है। पुराने जितने तुलसीदास बाबा जी के जमाने के जितने भी साधु हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं था फक्कड़ हो, सब बालक बच्चे वाले थे। कबीरदास जी बालक बच्चे वाले, तुलसीदास जी भी विवाहित थे, रहीमदास जी भी विवाहित, वशिष्ठ जी विवाहित, द्रोणाचार्य विवाहित, कृपाचार्य विवाहित, सब महात्मा थे कि नहीं थे? विवाहित और अविवाहित से नहीं होता है, कैसा भी हो सकता है साधु का, केवल जो सब पे दया करे और भगवान का आश्रय लेकर के रहे और प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर को देखे, वो सबसे बड़ा साधु है। और ऐसे साधु के पास जाओगे तो जरा सी भी तुमने गलती करी तुरंत टोक देगा, नहीं ऐसा मत करना, क्या होगा इस कर्म का तुम्हें परिणाम इतना भयंकर मिलेगा कि तुम्हें भोगना पड़ सकता है, तुम्हारी पीढ़ियों को भोगना पड़ सकता है। ना बिल्कुल नहीं, क्या करना है इससे, ऐसा नहीं करना। तुमने कह दिया अरे हमसे तो ऐसी बहुत गलती हो गई, कोई बात नहीं, आ जाओ, प्रायश्चित करते भजन भगवान का करा दिया और क्षमा मंगवा दी, भगवान ने माफ़ कर दिया, कर्म कट गया कि नहीं? तो महात्मा जो होगा कभी भी तुम्हें, और एक दूसरी पहचान और बता दें, महात्मा असली वो होता है जो केवल और केवल आपके प्रेम की दिशा को भगवान की तरफ मोड़े, वो होता है महात्मा। और जो अपनी तरफ कहे हमें ही सब कुछ हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब हमें ही हैं, हमारे ही पास आओ, तो वो भगवान, वो साधु नहीं होता है। यहाँ कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी ओ ये तेरो पर भाग रे, ओ ये तेरो पर भाग रे। मालूम है संतों के साथ पहुंच करके हमारा बिजनेस कैसे चल जाए, फैक्ट्री कैसे चल जाए, ये प्रश्न नहीं होते हैं। क्या प्रश्न होते हैं? संतन संग कर पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग बातें नहीं है, उड़ी उड़ाई
कि संतों के साथ लग जाओ तो तुम्हारा काम बन ही जाता है। सिद्धांत के बाद उदाहरण होना बहुत जरूरी है। ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागाते तो हंस करेंगे, कागाते तो हंस, हाँ कागाते तो हंस करेंगे, कागाते तो। क्या बढ़िया उदाहरण है। चालाक कौआ किसमें गिरता है, सुनिए कहावत। हाँ, और तुम्हें बना क्या देंगे, हंस। हंस क्या करता है, खाते हैं। मतलब तुम जो कचरे को पकड़ना सीख गए हो तो तुम्हें मोती की पहचान करा देंगे। संसार में कचरा है, जितना उलझोगे उतने तुम फंस जाओगे, और ऊपर ईश्वर जो है वो असली मोती है। क्या होगा, कागाते तो हंस करेंगे, छुट जाए दाग कहाँ लगे मालूम है, हृदय में। पुण्यवान हो गए, हृदय साफ हो गया। पाप भरे हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, हृदय गंदा है, तो दाग कहाँ लगा है। छुट जाए उड़ के दाग रे, वही एक दाग है। छुट जाए उरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग, संतन के संग दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास जी नहीं कह रहे, तुलसीदास जी ने भी कहा है, एही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। मोहिनी सा में बहुत दिन सोया, मोहिनी सा में बहुत अभी भी समय है, जब तक जिंदगी का एक भी दिन बाकी रह जाए तब तक तुम्हारे पास अवसर होता है। जितनी बची है जिंदगी, इतनी जिंदगी
जिंदगी में भी अभी भी जाग सके तो जाग ले, तेरी अंधी बनेगी सुन के संग रे, संतन के संग नाग रे, तेरी अच्छी बनेगी की संगति करोगे कभी भी तुम्हारा पतन नहीं होगा, और दुष्ट की करोगे बिना अपराध के धर लिए जाओगे, जुआ खेला जाता हो तुम एक भी दांव मत लगाओ, बैठ जाओ, छापा पड़ गया तो साथ ही में राधे राधे किए जाओगे, करे जाओगे कि नहीं? क्यों? अच्छा एक बार बताओ, बथुआ जानते हैं? बथुआ, हाँ, बथुआ को कोई पानी देने जाता है? नहीं जाता है। और जब गेहूं की फसल के बीच में होता तब पानी चकाचक पाता कि नहीं? क्यों? संगत में पड़ गया अच्छी, यही कह रहे हैं, अच्छी संगत में पड़ जाएगा तो उसको भी चकाचक खाद पानी, उसको कोई पानी तक नहीं पिलाएगा, उसमें महंगी महंगी उसमें उर्वरक भी डाले जाएंगे जो गेहूं के साथ पड़ जाता है। तो अब अकेला खड़ा है तो बकरियां चबाती हैं, है ना? इसीलिए कहते हैं अच्छी जगह रहोगे, अच्छी संगत में रहोगे, अच्छे कर्म करोगे। एक चीज और बता दे, अच्छे कर्म करने के परिणाम, अच्छा कर्म करोगे, भला अपना करोगे और संसार पूरा इज्जत तुम्हारी फ्री करके जाएगा, करेगा कि नहीं? बुरे काम तुम करो, बिगड़ेगा किसका? बुरे काम तुमने किए तो बिगड़ेगा किसका? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। और फ्री फोकट में दुनिया वाले तुम्हारी खिल्ली उड़ा करके बहुत अच्छी तरह अनुभव किया। हम कोई भी काम करें, कोई भी, फ्री में हमें इज्जत दे करके जाते रहे तब हमें पता लगा, अरे वाह, काम अपना कर रहे हैं, आदर ये करके जा रहे हैं, जबकि इनका एक पैसा का भला नहीं होने वाला। समझ गए? इसीलिए अच्छे कर्म करोगे दुनिया सम्मान करेगी, भला तुम अपना करोगे, बुरे कर्म करोगे दुनिया बेइज्जती करेगी और नुकसान तुम केवल अपना करोगे। और एक बात और बता दे, संसार में एक चीज और है, कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं कि तुम्हारी जरा सी फटी चद्दर दिखाई पड़े उसी को मुद्दा बना के खिल्ली उड़ाने का प्रयास करेंगे, करेंगे कि नहीं? और कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं, तुम्हारी जरा सी कोई फटा चद्दर दिखाई पड़ा तो तुरंत उसको ठीक करने के लिए योजना बनाएंगे और तुमसे मिलेंगे कि ये जो हो गया है तो इसका कैसे भरपाई की जाए, विचार किया जाए, बताओ हमारी क्या सहायता लगेगी। ऐसे भी हैं, भले ही 5% हों पर हैं। तो कहने का मतलब, अच्छे लोगों की संगति करोगे
जीवन में कभी भी तुम्हारा पतन नहीं होगा। और एक बात और बता दें, अच्छे व्यक्ति की संगत में रह करके वो भी व्यक्ति आदर पा लेता है जो कुछ न जानता हो। एक बार की बात, एक बाबा जी जा रहे थे, ठीक है, और बाबा जी के संग में एक आ गया गांव देहाती अंगूठा टेक भैंस चराने वाला, जो कि सीधे से राम शब्द नहीं कह पाए। तो बाबा जी ने सोचा कि ये है साथ में तो इसके भोजन पानी का तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, तो भोजन पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो इसे बाबा जी बनाना पड़ेगा। अगर जो ये वैसे ही फक्कड़ बन के रहा, पैंट शर्ट पहन करके फटीचर बन के, तो इसे कोई रोटी की बात छोड़ो, इधर दरवाजे के अंदर नहीं जाने देगा। उसको भी बाबा जी बना दिया, पुराने कपड़े दे दिए, लपेट दिए, बाबा तिलक तिलक पोत दिया उसके माथे पर, और पोत करके बाबा जी बना करके एक सेठ जी गए। वो सेठ जी फंस गए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे सत्संगी सब चीजों का, महाराज कुछ सुना दो, कुछ सुना दो, कुछ सुना दो। अब आज सुनाने की बारी आई तो सब प्रवचन करेंगे, ज्ञानी थे तो जो थे अपना राम का नाम कोई कीर्तन करके अपना किनारा का, वो क्या करे जो भैंस चराता था, वो तो रंग पोत के ले जाया गया। तो बाबा जी ने कहा नहीं 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 ये नहीं सुनाएंगे। कि क्यों? ये मौन धारण करके महात्मा बने हैं। अब अगर जो मौन खुल जाए तो पता लग जाए कि ये शेर है या सियार, लगेगा कि नहीं। तो ये चीजें होती है। अगर जो कोई अच्छे व्यक्ति के साथ पड़ जाए और बुरा भी हो तो उसका धीरे धीरे उसका भी सम्मान होता है, लेकिन बुरे व्यक्ति का भी प्रभाव ये बनता है धीरे धीरे यदि उसके साथ लगा रहा। हृदय से जुड़ा हो, नकली ना जुड़ा हो, दिखावा में हृदय से यदि जुड़ गया हो अच्छे व्यक्ति के साथ, तो वो भी धीरे धीरे भले ही भैंस चराने वाला हो वो भी सज्जन बन जाएगा। ये चीजें हैं। कहा तो यहां पर संतों की परिभाषा बता दी, पहचान बता दी। उन्होंने कहा एक बात बताओ, मान लो बाबा जी की संगत हमने महात्माओं की कर ली, अच्छे पुरुषों की कर ली संगत, इससे होगा क्या? तो कह कि होगा ये कि जब तुम उनके पास जाओगे तो क्या होगा कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत करण रसायनम कथा। संतों के प्रसंग में रहोगे, साथ में रहोगे, तो होगा कि मम वीर संविदा हमारे पराक्रम से युक्त भवंति हृत हृदय को और कर्ण कानों को रतायनम कथा, हमारी कथाएं होती हैं। माता ने कहा एक बात बताओ, जब आपकी कथाएं होंगी और बड़े मतलब पराक्रम की होंगी कथाएं, तो उससे होगा का कथाओं से क्या होता है? यहां पर यह प्रश्न किया गया कि कथा श्रवण करने से क्या होता है? तो कहेगी सुनो कि तत्जोषणात उन कथाओं का सेवन करने से आशु अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग माने है मोक्ष, मोक्ष होता है, गीता में बहुत बार आया है मोक्ष होता है, तो अपवर्ग वर्तमनी मोक्ष मार्ग में क्या होगा? श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। मोक्ष मार्ग के लिए आपको मोक्ष मार्ग में जाने के लिए भगवान पर श्रद्धा हो जाएगी, उनसे रति हो जाएगी और भक्ति ही अनुक्रमिष्यति। और जब रति हो जाएगी तो उनसे भक्ति भी परमात्मा से हो जाएगी। तो कई की एक बात बताओ कि मान लो कि हमें भगवान से भक्ति हो गई तो क्या होगा? प्रश्न बनता है कि नहीं कि भगवान से भक्ति हो गई तो क्या होगा? या फिर कह दिया जाए भगवान से भक्ति करने का क्या फल है? तो आगे भक्ति से बताया कि भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात दृष्ट्वा सुतान मद रचना अनुचिंतया। जिस समय भक्ति हो जाएगी हमारी उसके मन में, तब क्या होगा कि सारे संसार से उसको वैराग्य हो जाएगा। और जब संसार से वैराग्य हो जाएगा तो मेरे ही किसमें कई दृष्ट श्रुतान
वो देखेगा और सुनेगा किसको, कई मत रचना अनुचिंतया, मेरी जो रचना संसार में दिख रही है इसी में वो मेरी रचना समझने लगेगा और मैं प्रत्येक में बैठा हूँ ये वो समझने लगेगा। और जब प्रत्येक व्यक्ति में उसको ईश्वर दिखने लग जाए तो मोक्ष मार्ग में कोई संदेह है क्या? और जब आपका मोक्ष मार्ग में तुम्हारा मन लग गया तो तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं ना माता, वे सब की सब मन के ही अधीन होती हैं। और जब मन भगवान में लग जाएगा तो सारी इंद्रियाएं शांत हो जाएंगी। एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा हुआ है, किसी किसी के जीवन में अक्सर हो जाता है कि आप जा रहे हो अपनी पड़ोसन के घर में, ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ तो जंगल ही है, पड़ोसन भी आधा आधा किलोमीटर दूर मिलेंगी, तो मान लो कहीं बस्ती में है, अपनी पड़ोसन के यहाँ जा रहे दो तीन घर छोड़ के, और किसी बात पर इतना दिमाग खो गया कि जो पड़ोसन का घर था उससे आगे निकल गए, होता है कि नहीं? हो जाता है। क्यों हो गया? क्या आँखें किराए पर दे दी थी, रास्ता नहीं दिख रही थी, मन में और कुछ चल रहा था तो सारी इंद्रियों को उसने नियंत्रित कर लिया देखते हुए भी, और उस घर को नहीं पहचान पाया, समझे? तो जब गोलगप्पे हम देखेंगे भी तो भी उसकी तरफ मन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मन तो वो दूसरी जगह पर लग गया है। कभी जब ज़्यादा अभी अनुभव कर लिया होगा इस कार्यक्रम में ही, जब ज़्यादा काम होता है तो घर वाले बुलाते रहते, भूख भी लगी, आ जाओ माता खाना खा लो, और हाँ 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 करते करते 11 से 2 बज जाते कि नहीं? क्यों बज जाते हैं? क्योंकि मन हमारा सारा का सारा काम में लगा है, तो भूख भी हमें लगी इस बात का अनुभव नहीं हो पाता। जब कहते अरे आ जाओ तो उठ के आते हैं कि हाँ अरे हमें भूख भी लगी है, चलो चलो खा लेते, होता है कि नहीं? क्योंकि मन जो होता है ना सारी इंद्रियों का नियंत्रक होता है, मन ही है। मन को यदि तुमने एक डायरेक्शन में लगा दिया तो भटक इंद्रियों को भटकने ही नहीं देता है। यही बात कही गई है, दूसरी थोड़ी कही गई है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया, और बताने के पश्चात यहाँ पर और भी बड़ा अच्छा विषय दिया गया है। कहने लगे कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लेकर के आता है और बुरे कर्म करता है, तो बुरे कर्म करने के परिणाम से भगवान का रथ तो विमान तो आता नहीं है, उसके लिए आते हैं 4 और बड़े खतरनाक होते हैं, और उनको जब पकड़ के बांध के ले जाते हैं तो ले जा करके बड़े कष्ट से पहुंचता है, यमराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और यमराज के सामने जिस समय खड़ा कर दिया जाता है तो उसको सजा दी जाती है, और सजा देने पर जो से सजा उसके हाथ लगती है उसी को भोगता है, और भोगते भोगते जब उसकी सजा पूरी हो जाती है फिर कहते थे जाओ इसको एक चांस और दे दिया जाए। फिर वो दोबारा आता है और आ करके फिर जब जन्म लेता है, और जन्म ले करके अच्छे कर्म नहीं करता है तो फिर वही चक्र में भटकता है, लेकिन अगर जो अच्छे कर्म करने लग जाता है तो अच्छे कर्म करने के भी कई एक प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? इसके लिए